So, hello everyone. Today we are in Punjab and there's a huge surprise for everyone. We have one very good coach with us. Hello. सर हमें बताइए अपने बारे में कुछ. मैं फुटबॉल कोच हूँ जहाँ मेरे गांव अलूना तोला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में जहाँ मैं बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ. ओके और आप क्या ट्रेनिंग कराते हैं और क्या स्पेशल इस जगह के बारे में? इस जगह में स्पेशल ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरनर आते हैं. ये आर्ट वर्क किया है हमारी फाउंडेशन है, राउंड ग्लास फाउंडेशन है, और जितना भी आर्ट वर्क किया है वो सारे फॉरनर्स ने किया है और यही इसकी खास बात है. सो गाइस इस जगह के बारे में थोड़ी ही देर में बहुत सारी नई चीज़ें रिवील होगी, क्या है ये जगह और सारी चीज़ें. सो वी गोना सी एवरीथिंग सून. और ये सारे के सारे लोग हैं. सो गाइस यू ऑल आर रेडी? या वी आर रेडी. सो जस्ट गो. क्या नया होने वाला है कुछ ही देर में रिवील होगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, क्लीन एंड अमेजिंग. सो सार्थक, हाउ यू नो अबाउट दिस विलेज? वेल एज आई सेड बिफोर, मेरे को गुरप्रीत जी बिशप कॉटन स्कूल में मिले थे शिमला, जब वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए मैं काम कर रहा था. मेरी पोस्टिंग शिमला में थी, वहाँ से हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी बनी. एंड आई फर्मली बिलीव कि जो भी ये काम कर रहे हैं बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी. इन्होंने पूरे विलेज को जो है एक फेस लिफ्ट दे दिया है, एक सोशल कॉज, एक सोशल मूवमेंट इन्होंने चालू किया है विच इंक्लूड्स क्लीन विलेज, वेस्ट मैनेजमेंट, यू नो, सपोर्टिंग द लेस फॉर्चुनेट. और इन सब को ड्राइव करने के लिए जो उन्होंने टूल यूज़ किया है वो है फुटबॉल. एंड एज यू नो, यू माइट नो यू माइट नॉट नो, फुटबॉल इज माई स्पोर्ट. आई हैव प्लेड फॉर द स्पोर्ट फॉर 18 ईयर्स, आई हैव बीन कोचिंग फॉर 7-8 ईयर्स. और अब जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो आई हैव गॉट दिस ड्राइव टू पे बैक टू माई सोसाइटी. एंड आई थिंक गुरप्रीत जी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस कॉज. तो अब हम जाएंगे, हम ग्राउंड की रैकी करेंगे, हम देखेंगे शाम को कितने बच्चे खेलने आने वाले हैं, और थोड़ी बहुत जो भी मेरे को नॉलेज है वो मैं बच्चों के साथ शेयर करूँगा यहाँ खेलने की, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए. जो जो भाई हमारे साथ हैं, सौरभ भाई हैं और हमारे जीप चैम्पियन एक और हैं भानु जो अभी चला रहे हैं. तो हमारा जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है हम सब लोगों का, हम उसको साथ में लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो एक्सपीरियंस हम यहाँ के गाँव वालों के साथ बांट सकें और यहाँ जो भी छोटा हुआ था हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पे बैक करें. आई होप इट्स नॉट टू मच ऑफ टॉकिंग. वेल इट इज़, बट सो हेयर वी आर. बिफोर आई टेक एनी ऑफ योर टाइम, ये हमारा ग्राउंड है. सो गाइज मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा ट्रैक. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे मुझे व्लॉग करने के लिए, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ व्लॉग. कि मैं वर्क 360 के लिए एक 360 डिग्री कैमरा यूज़ करते हुए व्लॉग स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर पहला पॉजिटिव चीज़ मैं ऐसा बनाऊँ जो कि मैं सच्ची दिखाना चाहता हूँ मेरे आस पड़ोस में सब लोगों को. और एज आई हैव 360 डिग्री कैमरा, सो इट्स नॉट टू हार्ड टू यू नो व्यू दिस होल प्लेस. लास्ट टाइम मैं आया था तो मुझे एक ब्लैक कलर का बहुत अमेजिंग डॉग भी मिला था यहाँ पे. और जल्दी ही मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा, कैसी जगह है, क्या है, सारी बातें. और वैसे ना इसको मतलब एक्शन कैमरा की तरह घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई कैन रोटेट इट एट द लास्ट मोमेंट. बट ठीक है, दिस इज़ माई लाइक सेकेंड डे ऑफ शूटिंग विद 360 डिग्री कैमरा. I know I have a, you know, jungly look right now. I'll show you my ride. Sarthak ki custom built Thar hai, jo Old Iron Custom ne ready kari hai. It's an amazing vehicle. Aur bhi bahut sari cheeze dekhne ko milegi aapko bahut jaldi. Aur I'm so excited to play football. I guess aap dekh sakte ho. Shoes bhi pehen ke aaya hu main. I know they are not football shoes, but theek hai, chal jayega. Okay. सो हाँ, दो लोग बोल रहे हैं उनके बस की नहीं है. और देखते हैं कि ट्रैकिंग शूज और फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल शूज में लोग कैसे खेल रहे हैं फुटबॉल. सही
So guys, ready? Okay. ये कौन सा फैशन हुआ हाथ डाल के जैकेट के अंदर? Come on. So we've got the waste management facility here. और जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे हर घर में दो बिन्स होते हैं, एक होता है प्लास्टिक का और दूसरा होता है जनरल वेस्ट का. जनरल वेस्ट जब यहाँ पे लाया जाता है, प्लास्टिक तो वहाँ डिस्पोज कर देते हैं, जब जनरल वेस्ट यहाँ आ जाता है तो इनके 6 पिट्स हैं. जैसे एक पिट आप यहाँ देखेंगे ये फुल फिल हो चुका है, तो जैसे ही फिल होगा ये तो इसको 6 मंथ्स के लिए यहाँ छोड़ देंगे जब तक ये जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एंड होता है. और ऐसे अब ये दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ चल रहा है, ये फिल हो रहा है. और यहाँ लेफ्ट हैंड पे आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह होता है, वहाँ जो मिट्टी के सॉरी कच्चे हैं उनके अंदर फाइनल प्रोडक्ट है आपका फर्टिलाइजर 100% ऑर्गेनिक. और ये रेडी टू यूज़ है आपके लैंड में और आपके खेतों में उन सब में. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि बहुत सारे ऐसे पैकेट कई लोगों को गिफ्ट करे गए हैं. और बहुत सारा एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी एक अच्छी जगह जो होती है उसकी पहली रिक्वायरमेंट साफ़ सफाई भी है. ये हेल्दी भी रहने के लिए एक अच्छी चीज़ है. और यू नो पुराने के टाइम से ही लोग कितने साफ़ सफाई रख रहे होते थे. सो आई फील वेरी अमेजिंग टू नो दैट कि इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नई मुहिम स्टार्ट करी अपने गांव के अंदर. बहुत सारी और चीज़ें हैं पर एक एक करके धीरे धीरे हमें पता चल रहा है. एंड आई एम हैप्पी टू नो दैट. ओके सो जिसमें मैं बोलूं उसमें ये बॉल चली जाएगी. ऐसी कोशिश कर सकते हैं हम, अब बुढ़ापा आ चुका है, ये 5 किलो का पेट आप देख ही रहे हैं. सो जस्ट चेक आउट. ओके ऑल सेट सामने वाले के अंदर. यस इज अ काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो. बट आई हैप्पी टू टेल यू दैट मुझे अच्छा लगा ये जान के पूरी की पूरी पूरी चीज़ के अंदर कि बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं मानते, मगर जो भी हो रहा है हर चीज़ एक मीडियम है सोसाइटी को चेंज करने के लिए. एक फुटबॉल की वजह से एक गांव को बदलते हुए देखकर जो खुशी मिल रही है, कैन बी बाइकिंग, ऑफ रोडिंग, एनीथिंग, एक स्पोर्ट्स के थ्रू कुछ भी बदल सकता है. सो जस्ट लाइक एनी अदर विलेज. यस एक पानी का मीटर हुआ, पानी गंदा करने के लिए जिसमें छोटी छोटी कुछ डस्टबिन. व्लॉग है ऑफिशियल, सो यू कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी कमियां होगी जो धीरे धीरे ठीक होगी. मेरे लेफ्ट में जो जगह है ये नेक्स्ट प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये स्कूल के पास रहेगा. सो यू नो स्कूल के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. और अब आप देखेंगे दोनों तरफ जितने भी घर हैं उन सब पे ग्राफिटी बनी हुई है. इनमें से बहुत सारे बच्चे अभी कुछ देर के अंदर फुटबॉल खेलने के लिए आने वाले हैं. सो आई एम वेटिंग का वो बच्चा है. ठंड बहुत है यहाँ पर, हमारे वहाँ भी सेम है बट यहाँ तो एक्सट्रीम है.
ये बहुत सही फंडा है कि हमारे पास में एक ऐसी थार है जिसके अंदर बहुत सारी अलग सी चीज़ें लगी हुई है, सनरूफ है और इसकी डिज़ाइन ये सोच के बनाई गई थी कि ऊपर की तरफ कैंप लगा के और इस पर सोया जा सके। तो यू कैन अंडरस्टैंड पूरी जो इसकी छत है वो ऐसी दिखती है, एक जैसी दिखती है। एंड मेरा भाई जा रहा है, अब देखते हैं क्या नई चीज़ ये करने वाला है। आई नो मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उन सबको दिखाना है कि क्या अलग है। इट्स नॉट लाइक कि बेसिक लाइफ ही सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस बेसिक लाइफ में जो कि एड ऑन हो सकती है और होनी भी चाहिए। यहाँ कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है, ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बट अच्छा ही होगा जो भी लिखा होगा, आपको पसंद आएगा। ये जगह देखनी चाहिए सच में, सब लोगों को यहाँ आना चाहिए सीरियसली। आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं आप